कहते हैं गोपियों जब तुम्हारी ऐसी दशा है तो तुम जीवित कैसे रही हो। गोपियां बोली, अरे प्यारे ये भी कोई पूछने की बात है, हम जीवित कैसे रह रही हैं ये भी कोई पूछने में। तब कथा अमृतम तप्त जीवन, आहा हा, तुम्हारी कथा सुनाने वाले इन लोगों ने, जो तुम्हारा कथामृत है, इन्होंने हमें ठग लिया प्यारे, इन्होंने हमें ठग लिया। ये तुम्हारी प्यारी प्यारी कथाएं सुनाते हैं और उन कथाओं को सुनकर हमारा प्रेम तुम में हो गया। तब कथा अमृतम तप्त, और उसी से प्यारे हम जीवित हैं। लेकिन प्यारे तुम्हारी कथा का अमृत पिलाने वालों ने हमको ठग लिया, नहीं तो तुम्हारे विरह में तो हम अब तक मर ही जाती। तुम्हारी कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से विलक्षण है। स्वर्ग का अमृत तो अमीर उमरावों को मिलता है। अरे जितने भी इस विश्व में अमीर हैं, उमराव हैं, पुण्यों का फल ही तो उन्हें मिला है। यही स्वर्ग है इस जिंदगी में, इस दुनिया में वही स्वर्ग भोग रहे। और परंतु तुम्हारा जो कथामृत है केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये तो तप्त जीवनम, जो तीन तापों से संतप्त लोग हैं उन प्राणियों का जीवन है प्यारे। और तुम कहते हो तुम जीवित कैसे हो। स्वर्ग का जो अमृत है उसी को विद्वान लोग निंदा करते हैं उसकी, उसको पीकर आदमी के मन में वासना का उदय होता है। किंतु तुम्हारा जो चरितामृत है, कथामृत है, वह तो समस्त कलमशों का नाशक है प्यारे। समस्त कलमशों को ये धो देता है, पी देता है, जला देता है। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, परीक्षित हमारी बात ले लो, हमारी निष्ठा निर्गुण में थी किंतु उत्तम श्लोक वार्ता ग्रहित चेता, हमारा जो छोड़ा हुआ चित्त था उसको पकड़कर यह भगवान की कथा भगवान की ओर मुझे ले आए। हमको दो ही श्लोक हमारे पिताश्री के शिष्यों ने हमें सुनाए थे, अहो बकियम स्तन काल कुटम जिघांसया पाय प्रसादि, नहीं सुनाए और बरहा पीदम नटवर पपू, और जो मैं एकदम निर्गुण निष्ठ था वह सगुण निष्ठ हो गया। सुखदेव भगवान अपनी बात सुनाते हैं यहाँ पर परीक्षित को, हमारा जो छोड़ा हुआ चित्त था उसको पकड़कर ये भगवान की कथा ले आई, भगवान की कथा मेरा चित्त को छुड़ा ले गई। गोपियां कहती हैं, कभी भी तम जीवन मुक्त जो लोग भगवत कथा की प्रशंसा करते हैं वे कहते हैं, ऐसा कौन साधु पुरुष है जो भगवत कथा से प्रेम न करे, भगवत कथा से। इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संहितायाम कहा गया है। आप मूल भागवत का जो मंगलाचरण होता है उसके बाद जो दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्झिता करके आता है, निर्मत शरणम आता है, उसमें यही कहा है कि जो इस भागवत कथा में वो तत्व छिपा हुआ है जो बड़े बड़े आप जो संसार के जितने भी अर्थ धर्म काम मोक्ष इत्यादि से जो और भी आगे चल करके जो रस है जो इनको प्राप्त नहीं हो पाता वो भगवत रस बोले इस कथा से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ये भागवत कथा का रस है। तो इस विश्व में नहीं भूरि राजना भूरि भूर दान करने वाले हैं, श्रवण मंगलम यह सुनने में बड़ा मंगल है, श्रीमदातम धनियों ने पैसा दे देकर इसका विस्तार कराया, जिनके पास धन है बोले इन भागवत कथाओं का आयोजन कराते हैं। और इन भागवत कथाओं के आयोजन करने से जब ये श्रोता हरिजन भगवान की कथा सुनते हैं तो इनके मन में भी भगवत प्रेम होता है। इसीलिए गोपियां कहती हैं, ये जो कथा का दान करते हैं प्यारे, यही सबसे बड़े दानी हैं जो हमें कथा का दान करते हैं, कथा सुनाते हैं हमको। गोपियों ने उन सब की प्रशंसा की, और वास्तव में जिनके पास धन है और इन कथाओं में उन धन का प्रयोग करते हैं आयोजन करने में, गोपियां उनको भी श्रेष्ठ बताती हैं कि वो धन्य हैं तो जो इस प्रकार से प्यारे आपकी कथाओं को आयोजित करा करके और भी जितने भी जन हैं उनको आपको कथामृत सुनने का श्रेयस्व अवसर प्राप्त होता है।
तुम हमारी गति को जानते हो, हम तुम्हारे उद्गान से मोहित हैं। फिर अरे यहाँ पर गोपियों ने भगवान को कपटी कहा है। क्या कहा है? कपटी शब्द। ये गोपियाँ ही कह सकती हैं कपटी। कितब योषिता कष्ट जिनश, अरे ओ कपटी कितब, तुम ही बताओ कितनी रात के समय हम इस तरह से स्त्रियों को छोड़ना क्या भले मनुष्य का काम है? भला मनुष्य कोई ऐसा करेगा? तुम सारे ब्रज को, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए आए हो। तो ये गोपी की भाई इस प्रकार से, इसमें 19 श्लोक हैं, बहुत बड़ा ये काम है। इसके बाद भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं उनकी प्रार्थना को सुनकर। और जब वो प्रकट हो गए वहाँ पर, तो गोपियों के मन में थोड़ा सा फिर जैसे मन में हो जाता है, प्रेमी जब मान जाता है तो प्रेमी के सामने दूसरे में उसमें थोड़ा अहम फिर आ जाता। विश्वास, ये प्रेम की उल्टी गति है। इसलिए प्रेम की गति को अहिरव बताया गया। अहिरव, अहि कहते हैं सर्प को। सर्प जब चलता है तो बोले टेढ़ा टेढ़ा होगा, तो प्रेम की गति भी बोले टेढ़ी होती है। एक मनता है तो दूसरा रूठ जाता है, रूठसा मनता है तो दूसरा रूठ जाता है, लेकिन एक समय आता है दोनों मन जाते हैं। तो यही गोपियों का और भगवान कृष्ण का अंत में जब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों के मन में थोड़ा सा, अब तो कोई भगवान कृष्ण को बाहों में भरता है, कोई उनको चूमता है, कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, कोई उनका हाथ पकड़ के अपने कंधे पर रख लेता है। अनेक प्रकार की लीलाएं श्री सुखदेव भगवान, क्योंकि यहाँ काम का कोई भाव नहीं, यहाँ विशुद्ध प्रेम का भाव। हम पहले कह चुके हैं गोपियों में शरीर आया, सौंदर्य आया, भगवान अंतर ध्यान। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विशुद्ध प्रेम के मानते हैं, भगवान उस प्रेम का उपभोग करते हैं जिसमें भक्ति का रस है, परमात्मा तत्व का रस है, ये काम रस उसमें नहीं। तो इस प्रकार से अब गोपियों ने कहा, प्यारे आपने मुझे, हम लोगों को बड़ा रुलाया, अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब जिससे प्रभ, जैसे आपने हमें यहाँ बिठाया है, ऊंचा तखत बिठाया है, गद्दी लगाई है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई अगर तुमसे प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें बिठाओगी कहाँ? तो उन गोपियों के जो चुनरी उत्तरीय परिधान थे उन्होंने बिछा दिया एक के ऊपर एक के ऊपर, लो इस पर बैठो, हाँ गद्दी बन गई तुम्हारी। अब प्रश्न जो गोपियों ने पूछे हैं वो चार प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं कि प्यारे ये बताओ, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो प्रेम व्यक्ति एक करता है लेकिन वो फिर भी प्रेम नहीं करता। दूसरा पूछा कि एक व्यक्ति ऐसा है प्रेम करो तो प्रेम करता है, न करो तो भी प्रेम करता है, हा? एक ऐसा उन्होंने बताया। और एक उन्होंने बताया, चलो हम अभी बता देंगे आपको। चौथा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है चाहे कोई प्रेम उनसे करे चाहे न करे लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि गोपियों जो तुम्हारा पहला प्रश्न है कि जो कोई, हाँ एक है जो प्रेम करने पर प्रेम करता है और प्रेम न करो तो प्रेम नहीं करता, प्रेम करो तो करेगा, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो ये तो बोले कि गोपियों कि जो ये स्वार्थ वाला प्रेम होता है, कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उससे प्रेम करते हैं, नहीं करता तो हम नहीं करते, इसको कहते हैं स्वार्थ प्रेम। जिनके मन में स्वार्थ होता है वो व्यक्ति, वो पहला उत्तर तुम्हारे प्रश्न का है। और दूसरा कि प्रेम न करे तो भी प्रेम करता है, प्रेम करता है तो करता ही। तो उन्होंने कहा कि इसमें माता पिता ऐसे होते हैं, माता पिता का ऐसा प्रेम होता है, उनकी संतान उनसे प्रेम अगर नहीं करती है तो भी उनके मन में उनके प्रति प्रेम होता है, और वो जो प्रेम करते हैं तब तो प्रेम है ही। और गुरु संत महापुरुष ऐसे होते हैं, कोई उनसे प्रेम करे तो भी प्रेम करते हैं, न करे तो भी उसके लिए कभी उसके मन में द्वेष नहीं रखते, फिर भी वो प्रेम करते हैं किसका कल्याण हो जाए। बोले गुरु भी ऐसा ही होता है, संत भी ऐसा ही होता है, परमात्मा भी ऐसे ही होता है। और एक है जिससे प्रेम करो न करो लेकिन वो प्रेम, वो कहता है कि वो अपराधी लोग होते हैं, अपराधी गुरुद्रोह, यहाँ गुरुद्रोही का अर्थ नहीं है, यहाँ पर है अपराधी।
जो अपराधी लोग होते हैं, तुम प्रेम करो तो भी आपकी माया को हरण कर लेगा, और तुम प्रेम न करो तो वैसे हरण कर लेगा। तो उन गोपियों ने कहा कि इन चारों में तुम कौन हो? कृष्ण को बोला, बताओ तुम इन चारों में से कौन हो? तो भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, देखो मैं तुम प्रेम करती हो तो भी मैं प्रेम करता हूं, तुम नहीं करती तो भी मैं प्रेम करता हूं। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, तुम आत्मा राम तो हो नहीं सकते, क्योंकि तुम गोपी राम हो, है? तुम आत्मकाम नहीं हो सकते, तुम गोपी राम हो। तुम्हारे मन में गोपियों का प्रेम है, गोपियों मन तुम्हारे रहती। अनेक प्रकार की गोपियों ने कहा, क्योंकि इससे तो सब प्रेम करते हैं, तुम अकृतज्ञ भी हो। तुमने कहा तुम सबसे प्रेम करते हो पर तुम अकृतज्ञ भी हो। बोले कैसे? कि हम तुमसे प्रेम करती हैं लेकिन तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिए तुम अकृतज्ञ भी हो। तब यह कौन है? बस चौथे हो सकते हैं, यह जानकर भी कि हम लोग इनसे इतना प्रेम करती हैं तो ये गुरु द्रोह, इस हमसे ये भयंकर द्रोह करते हैं, इसलिए ये कृष्ण भयंकर अपराधी हैं। गोपियों ने क्या सिद्ध किया, क्या न्याय दिया, क्या जजमेंट आया गोपियों का? कि बोले तुम भयंकर अपराधी, जो तीन हमने गिनाए इनमें से तुम नहीं हो सकते, चौथे जो गुरुद्रोह है। कृष्ण बोले नहीं नहीं गोपियों, फैसला करने से पहले सोचना चाहिए भाई, तुमने जो फैसला किया है पहले हमारी बात भी तो सुनो। गोपियों ने अच्छा भी सुनाओ, मैं प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, परंतु इसलिए प्रेम नहीं करता कि उनका प्रेम हमारी ओर अधिक से अधिक और खिंचे। जैसे ध्रुव के हृदय में भगवान ने अपने पहले जो स्वरूप प्रकट किया उसको खींच लिया। किस लिए खींच लिया? इसलिए खींच लिया कि अब ये हमारा है भजन और ज्यादा करे। तो भगवान कहते कि नहीं, कभी कभी भक्तों से मैं इसलिए प्रेम का ये नाटक करता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, किसके मन में मेरे लिए और प्रेम की खिंच होगी और इसके मन में खिंचाव पैदा होगा, परंतु ये प्रेम हमारी ओर अधिक से अधिक खिंचे। जैसे किसी गरीब को धन की प्राप्ति हो जाए, पहले उसे धन के लिए व्याकुलता नहीं थी, परंतु जब धन प्राप्त होकर खो जाता है तब उसे ऐसी चिंता लगती है कि दूसरे को कुछ पता ही नहीं चल पाता। दुखों गोपियों में अकृतज्ञ बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने लिए मेरे लिए मेरी सेवा के लिए लोक वेद स्व सब का परित्याग कर दिया, इसलिए भी मैं मन ही मन छिपकर तुम लोगों की सेवा करता हूं। मैं तुम्हारा प्यारा हूं और तुम हमारी प्यारी हो, हमारे प्रेम में तुम दोष मत बताओ। तत्प्रियम प्रियाह, तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि मैं गुरुद्रोही हूं, अपराधी हूं। अरे गोपियों, तुमने मुझसे ऐसा निश्चल निष्कपट प्रेम किया है, यदि ब्रह्मा की आयु से भी तुम लोगों का बदला चुकाकर उद्धार पाना चाहूं तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने हमारे लिए घर छोड़ा तथा जितने बंधन थे उन सब हमको तुम छोड़ दिया। तुम तो साधु हो, अपने शील स्वभाव से ही तुम हमें पूर्ण कर सकती हो। भगवान कहते हैं तुम्हारा इतना विशिष्ट प्रेम है कि हम कभी उर्ण तुमसे नहीं हो सकती, लेकिन गोपियों अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारे ही शील से हम ऋणमुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम कभी ऋणमुक्त हो ही नहीं सकते। जय जय श्री राधे। भगवान प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और उसके बाद दोबारा फिर महाराज हुआ। हाँ, और इसमें विशिष्ट महाराज का वर्णन किया गया है, और गोपियों के स्वर ताल से युक्त दृढ़ शुद्ध गान सुनकर भगवान बड़ा सुंदर सुंदर कह उठते थे, बीच में बहुत सुंदर आनंदित हुआ। और दिव्य महाराज, जब महाराज का समापन हुआ सब थक चुके थे लोग, रात्रि भी धीरे धीरे जहाँ रुक गई थी, सब देवनांगनाएं देवता लोग, भगवान ने अपने उत्तरीय प्रधान से अपना गोपियों के प्रधान से, कभी गोपियों का पसीना श्वेत पहुँचते हैं, कभी उनके अंगों को पहुँचते हैं, गोपियाँ भी यही करती हैं, कृष्ण के स्वेत को पहुँचती हैं, ये सब करती हैं, एक बड़ी अच्छी लीला। उसके बाद भगवान ने यमुना में स्नान वगैरह किया और वहाँ से
जाने के बाद भगवान जो है यमुना विहार करते हुए सबको महाराज का आनंद देते हुए भगवान वहाँ से जा चले जाते हैं। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया, शंखचूड़ यक्ष इत्यादि का भगवान ने इस प्रकार से वध किया, वृषभासुर का भगवान ने वध किया, और उसके बाद नारद जी श्री गोकुल में पधारते हैं, वृंदावन में पधारते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण एकांत में हैं। नारद जी अपने कन्हैया का हाथ पकड़कर बोले, आओ लाला हम लोग मंत्रणा कर लें थोड़ी सी। अरे लाला कन्हैया, प्रभु आपने माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बाल लाल की अब बहुत करनी, अब दैत्यों का जल्दी से जल्दी नाश करिए, धर्म की स्थापना आप करिए, अब आपका आगमन, अब ये छोड़ो मक्खन खाना, ये सब बहुत नाच लिए, बहुत रस विलास की लीलाएं कर ली, अब मथुरा की ओर आप प्रस्थान करिए, कंस इत्यादि का वध करिए, ये धरा जिसके लिए आपने प्रकट होकर के आविर्भाव आपका हुआ है उसका शीघ्रातिशीघ्र आप उद्धार कीजिए। आप भनाते शंकर नाचे, नाचे देवगण सारे, देव भनाते शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण, मन मेरा बन गयो सखेरे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरा भाना थे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, पावन मेरा बन गयो सखेरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सहो पावन वृंदावन, नाचे गोपी जन, आमन मेरो बन गयो सखेरे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रहो रास रचो है, रास रचो है, जम नाच नारे प्रभु रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है प्रभु रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास रचो है, यमुना किनारे प्रभु रास
सिरा चो है आ जमुना किनारे रात रचो है जमुना किनारे प्रभु रात रचो है हो पावन वृंदावन हो